हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम काफी अच्छा मोशन ग्राफिक्स जो है बना करके देखने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, इस टाइप का एनिमेशन जो है आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसी एनिमेशन को मैं पूरा रिक्रिएट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे प्रॉपर आप ऐसा एनिमेशन जो है काफी अच्छा तरीके से जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो चलिए रख लीजिए, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो है एक नया कंपोजिशन क्रिएट कर ले रहा हूँ, तो जो कि 1920x1080 रुपी है। अब ये रील के लिए जरूर मैंने बनाया था शॉर्ट्स के लिए, बट यहाँ पे मैं जो है फुल वीडियो का जो है रेजोल्यूशन ले रहा हूँ। अब डिपेंड करता है आपको किस रेजोल्यूशन पे जो आपको बनाना है। यहाँ पे 10 सेकंड ड्यूरेशन का जो है मैं यहाँ पे कंपोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे इसको फिट कर दे रहा हूँ। अब हमें जो है यहाँ पे सेम टाइप का जो एनिमेशन है वो हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वो सर्कल वगैरह है वो सारे डिजाइन कर लेते हैं, जितना एलिमेंट्स वगैरह है वो सभी चीजें यहाँ पे रख लेते हैं, एनिमेशन जो है बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक सर्कल डिजाइन कर ले रहे हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया है। इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को हम यहाँ पे कम कर देंगे। तो लाइक जैसे कि हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इस तरीके का स्ट्रोक आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपल आपको करना क्या है, इसका एंकर पॉइंट जो है ये सेंटर कर लेना है। तो एंकर पॉइंट को हम यहाँ पे सेंटर कर लेंगे। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा जो स्ट्रोक बन चुका है। अब कलर वगैरह आप डिसाइड कर सकते हैं किस कलर में आपको बनाना है। तो सिंपल हमने वहाँ पे व्हाइट कलर रखा हुआ था, तो व्हाइट कलर हम यहाँ पे रख लेंगे। देन इसके बाद में आपको करना क्या है कि जितने भी टेक्स्ट वगैरह है वो आपको लिख लेना है। सिंपल हम सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सारे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले एक चीज को रेडी कर लेते हैं, देन डुप्लीकेट करके हम इसको पूरा कर लेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे वो राइट टिक बनाते हैं। तो राइट टिक का एनिमेशन के लिए हम सिंपल यहाँ पे इस तरीके से जो है ये बना देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने राइट टिक बना लिया है यहाँ पे। सिंपल इस तरीके से हम जो है इसको एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे इसका विड्थ जो है 5 कर दी है। देन इसका जो कलर है, कलर हम यहाँ पे ग्रीन कलर हमको करना, तो ये हमने ग्रीन कलर कर दिया है। देन इसको एनिमेट करने के लिए हमको सिंपल इसमें डाल देना है तो ट्रिम पाथ। लेकिन हम इसको जो है बाद में इसको एनिमेट करना चाहते हैं, लेकिन हमको डुप्लीकेट करना है, इसलिए हम अभी सारे इसको एनिमेट कर लेंगे। तो सिंपल हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको रीनेम कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। साइकिल लिख दे, सॉरी मैंने सर्कल लिखना था, बट कोई बात नहीं। इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा टेक्स्ट हो गया। तो सिंपल पहले हम इसको एनिमेट कर लेते हैं। तो सिंपल हमको इसमें ट्रिम पाथ दे देना है। तो ट्रिम पाथ पे जाएंगे हम, यहाँ पे इसको एनिमेट कर देंगे। 15 फ्रेम का हम यहाँ पे एनिमेशन कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे हमने 0 कर दिया है। तो ये कुछ इस टाइप का एनिमेशन हो गया है। लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए सिंपल हम शेप में जाएंगे, स्ट्रोक पे जाएंगे और यहाँ पे बट कैप को राउंड कैप कर देंगे। एंड हमको जाना है यहाँ पे डैशेस पे और यहाँ पे मीटर जॉइन को राउंड जॉइन कर देते हैं। डैशेस पे जाकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जो है टेपर कर देना है इसको, सॉरी। तो टेपर पे जाएंगे हम, एंड टेपर पे जाने के बाद में स्टार्ट लेंथ और एंडिंग लेंथ को हम यहाँ पे कम कर देंगे, तो मतलब बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ये देखे काफी अच्छा सा यहाँ पे लुक आपको देखने मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है लुक यहाँ पे बना लेंगे, तो बहुत ही अच्छा राइट टेक आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ये इस टाइप का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। देन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और इसको जो है इजीज कर देंगे। तो ये सिंपल आपको क्या कर देना है, यहाँ पे इजीज आप कर देंगे यहाँ से। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल गया है। अब जैसे ये स्केल हो करके आएगा और ये राइट टेक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर स्टार्टिंग से स्केल रहेगा। यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं करना हमको, केवल राइट टेक में एनिमेशन करना था, ठीक है, जो कि हमने कर दिया। अब सिंपल हम इसको क्या करेंगे कि राइट टेक को जो कलर है हम चेंज कर लेंगे ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए, तो इसको ग्रीन कलर कर देते हैं हम, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि इसको डुप्लीकेट करके आगे की साइड में हम रख देते हैं। तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे फिट कर देते हैं इसको और इन तीनों को डुप्लीकेट कर देंगे हम। तो सबसे पहले इसको भी सेंटर लाइन कर देते हैं हम यहाँ पे प्रॉपर, इसको भी सेंटर लाइन कर दिया यहाँ पे। इन तीनों को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे अलाइनमेंट प्रॉपर सेट कर लिया है। तो ये देखिए, काफी अच्छा एनिमेशन हो गया यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, तो इसको सिंपल हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये प्रॉपर सेट हो चुका है हमारा। अब इन तीनों को यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे कंट्रोल डी और इसको ऊपर कर देंगे हम और इसको आगे के साइड में मूव कर देंगे हम। अब जितना डिस्टेंस आप देना चाहते हो उतना डिस्टेंस पे आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे कंट्रोल डी कर देंगे और इसको फिर हमने ऊपर के साइड में ड्रैग कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो टेक्स्ट आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सिंपल। तो यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल हमने इतना गैप दे दिया। अब जैसे कि यहाँ पे हमको ऐड करना है फ्रीलांस, तो यहाँ पे हम फ्रीलांसर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया एंड ये वाले टेक्स्ट पे हम कर देते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है। अब हमको करना क्या है कि इनको प्रॉपर सेट कर लेना है यहाँ पे कितना डिस्टेंस देना है, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस वगैरह आपको कितना क्या रखना है तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन तीनों का डिस्टेंस थोड़ा सा हम इधर आगे साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे इनको थोड़ा और इधर साइड कर देते हैं हम, यहाँ पे इसको यहाँ पे हम थोड़ा और इधर साइड कर देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से आपको चाहिए, कितना डिस्टेंस चाहिए आपस में, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ऊपर का हमारा एनिमेशन रेडी हो गया है, ठीक है। अभी एनिमेशन फाइनल एनिमेशन जो है हम बाद में करेंगे उसको, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हमको नीचे के साइड में जो टेक्स्ट वगैरह है वो बनाना है। सिंपल हमने इसको कंट्रोल डी कर दिया और इसको नीचे कर देंगे। अब यहाँ पे हमको इनके टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लेना, तो इसको सबसे पहले हम ऊपर ले चलते हैं। अब देन यहाँ पे जो टेक्स्ट है हम ऐड कर लेंगे, लाइक जैसे टाइम, टाइम के बाद में और इसके आगे जो है हमको पूरा बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे हमको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो ये हमने बॉक्स बना दिया इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा राउंडेड करना है। तो राउंडेड करने के लिए सिंपल हम क्या जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और
और इसको यहाँ पर जस्ट डबल कर देंगे 40। ये देखिए काफी अच्छा राउंडेड हो गया है। अब इसका जो कलर है, कलर हमको व्हाइट चाहिए तो हमने व्हाइट रख दिया यहाँ पे, एंड इसका जो एंकर पॉइंट हम सेंटर कर देंगे। अगेन हमको करना क्या है कि यहाँ पे हम इसको दे देते हैं बॉक्स, इसको रीनेम कर देंगे, तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया बॉक्स नेम। तो अब हमारे पास में यहाँ पे ये टेक्स्ट और ये बॉक्स है, लेकिन इसके साथ साथ हमको इसके अंदर का फिल का एनिमेशन भी बनाना है। तो सिंपल हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे, अब यहाँ पे बॉक्स रीनेम करके आगे फिल कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो स्ट्रोक है वो हम ऑफ करके फिल को ऑन कर देंगे। यहाँ पे ये देखें स्ट्रोक को हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब हमको करना क्या है कि एक और यहाँ पे एक एनिमेशन बनाना है कि ताकि जो है बॉक्स फिल होगा और कम होगा, तो उसको एनिमेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम ट्रिम पाथ का एनिमेट करेंगे, एक शेप ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो लाइन शेप हमने बना लिया, देन इसका जो फिल है हम इसको ऑफ कर देंगे, देन इसका जो कलर है हम यहाँ पे चेंज करके, ताकि अभी के लिए कलर चेंज कर रहे हैं ताकि हमको लाइन का पता चल जाए कहाँ से कहाँ तक है। और ये हमने लाइन को बना लिया है, देन इसका एंकर पॉइंट हम सेंटर कर देंगे। हालांकि ट्रिम पाथ एनिमेशन लगाना है हमें, तो एंकर पॉइंट से कोई लेने देने नहीं है। अब इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं यहाँ से, तो लाइन का कलर हम कर देते हैं यहाँ पे येलो सपोज। ठीक है, और ये जो बॉक्स है और इन बॉक्स का कलर जो हम कर देते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे तीनों का कलर जो है हम यहाँ पे येलो कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि वैसे लाइन का दिक्कत हो जाएगी, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इन दोनों को कर देते हैं लेवेंडर कलर कर देते हैं और लाइन का कलर येलो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कलर कर दिया। अब इसमें हमको एनिमेशन देना है, तो एनिमेशन हम अभी दे देते हैं क्योंकि हमें डुप्लीकेट करना है इसको, इसलिए हमने एनिमेशन इसमें अभी दे देते हैं। तो इसमें ट्रिम पाथ का एनिमेशन दे दिया हमने, तो यहाँ पे एक सेकंड का एनिमेशन दे रहे हैं हम यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे की लगा दिया हमने और यहाँ पे आकर के इसको जीरो कर दिया। तब आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से इसका जो एनिमेशन हो रहा है ये हो रहा है, बट अभी ये प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसमें हमको जाना है शेप के अंदर, शेप में जाने के बाद में स्ट्रोक में जाकर के इसको बट कैप को राउंड कैप कर देंगे। ठीक है, देन दूसरी चीज हमें करना क्या है कि अब हमने लाइन को ट्रैकमेट कर देंगे बॉक्स फिल के साथ। तो ये देखिए अंदर इसका एनिमेशन काफी अच्छा तरीके से हो रहा है, तो इस तरीके से हमको एनिमेट कर लेना। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे इसको तीनों को लेकर के हम यहाँ पे अलाइन कर लेंगे सेंटर लाइन, और अब हमें करना क्या है कि इसको डुप्लीकेट कर देंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दिया और इसको ऊपर साइड कर दिया। अब इसको हम नीचे कर लेंगे, ये देखिए अब जितने पार्ट बनाने हैं हमको तो उतने हम डुप्लीकेट कर लेंगे इसके। तो हमें यहाँ पे चार चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे काफी अच्छा हमारा जो है यहाँ पे बन चुका है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे इनके जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देना। अब इनको प्रॉपर अलाइन करना है हमको, तो सारी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट लेयर हमने चारों सिलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन कर देंगे इसको, तो ये काफी अच्छा लगने लग जाएगा देखने में प्रॉपर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है स्ट्रक्चर जो है रेडी हो गया। अब इसको जो हमें एनिमेट करना है, तो एनिमेशन हालांकि हमने कुछ चीजों में कर दिया है, बट टाइमिंग के साथ में इसको हमको एनिमेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको एनिमेट करना है। तो सिंपल आप करना क्या कि यहाँ पे जैसे एनिमेशन है, तो ये टाइमिंग जो है आपको एडजस्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे कर्सर, जो कर्सर आता है कर्सर का एनिमेशन हमको करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे कर्सर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे दो कर्सर हमने यहाँ पे किए हुए, एक आपको हैंड वाला कर्सर देखने मिल रहा है, जैसे कि सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है हमारे, या फिर किसी लिंक के ऊपर जाते हैं तो इस टाइप का आपको कर्सर देखने मिलता है, और नॉर्मल कर्सर आपका ये वाला रहता है। तो इसलिए हम दोनों कर्सर को एनिमेट करेंगे। तो सिंपल हम दोनों को यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे और इसको यहाँ पे अब इनकी साइज जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। लाइक जैसे कि इसकी साइज जो है हम यहाँ पे रख लेते हैं लाइक 5। तो ये देखिए हमारा काफी सही जो है, हमने यहाँ पे साइज चूज कर लिया है। देन इसका एनिमेशन, इसका साइज भी हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हमने कर दी है, तो ये हमें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है या फिर ठीक लग रहा है वैसे। तो इसका 5 की जगह हम इसको 7 कर देते हैं। तो अब हमारा साइज जो है दोनों को ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अब हमें दोनों को एनिमेट करना है, लेकिन हम किसी एक पे की लगा देंगे। तो जैसे कि हमने इस वाले पे की लगा देते हैं और ऊपर वाले को इसके साथ में हम पेरेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो है हमें 1 सेकंड के पास में हमें आना है, 1 सेकंड के समथिंग, और इसमें की लगानी है। तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे पोजीशन की लगा देंगे। तो ये देखिए हमने पोजीशन की लगा दी, और फर्स्ट फ्रेम पे जाने के बाद में इसको हम स्क्रीन से बाहर कर देंगे। तो स्क्रीन से बाहर हमने कर दिया, और यहाँ पे जो काफी अच्छा एनिमेशन जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, बट इस तरीके से सीधा सीधा एनिमेशन हमें नहीं करना है, हमें काफी अच्छा एनिमेशन करना है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको इसको सबसे पहले तो करना क्या है कि यहाँ पे पेन टूल से आएंगे और यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है, और इसका जो पाथ है इसको हम कर्व कर देंगे। तो इस तरीके से हमको कर्व कर देना, ताकि जो एनिमेशन है ये काफी अच्छा इस तरीके का एनिमेशन आपको देखने मिल जाए। और इसको हम अभी इजी कर देंगे। तो सिंपल हमने यहाँ से इजी कर दिया, अब देखिए एनिमेशन काफी अच्छा, ये मूवमेंट आपको देखने मिल रहा है, बहुत ही प्यारा मूवमेंट। तो इस तरीके से एनिमेशन जो आपको करना है, ताकि जो बहुत ही स्मूथ देखने में लगे और बहुत ही अच्छा जैसे कर्व यहाँ पे देखने मिल रहा है ना। नॉर्मली हम करते तो सीधा सीधा जाता, जो देखने में अच्छे लगता, बिकॉज क्योंकि हम कर्सर वगैरह कभी मूव करते हैं तो सीधे सीधे डायरेक्टली मूव नहीं करते, तो इसलिए हमने इसको ऐसा एनिमेट किया। अब ये चीज यहाँ पे आएगी, 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है हमको सपोज, तो हमने यहाँ पे होल्ड कर दिया। देन इसके बाद में आगे एनिमेशन, तो इसका एनिमेशन अभी हम कंटिन्यू करते चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा जब कर्सर यहाँ पे आएगा, तब हमारा यहाँ पे जो राइट टिक है वो लगे। ठीक है, तो राइट टिक का जो एनिमेशन है हमने ग्रीन कलर से किया हुआ था राइट टिक को। तो ये देखे राइट टिक हमारा जो है ये रहा। तो इसका एनिमेशन हम कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इधर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमारा कर्सर आया, वैसे ये कर्सर आएगा और ये राइट टिक लग जाएगा। तो इस तरीके से हमको एनिमेट, सिंपल हम क्या करेंगे फटाफट से इसको एनिमेट कर लेंगे। ये हमारा राइट टिक आया और ये एनिमेट हो गया। तब जैसे ये आएगा, वैसे ये जो यहाँ पे ये जो है फिलिंग, तो वैसे ये स्टार्ट होंगे फिल होना। ठीक है, तो सिंपल हमको करना क्या है, अभी तो फिलहाल के लिए हम फुल रख रहे हैं इनको, बाद में टाइमिंग जो है एडजस्ट
कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे इनकी जो टाइमिंग है, तो अब ये जो येलो कलर लाइन वाला जो हमने बॉक्स बनाया था, ये बॉक्स जो है यहाँ से स्टार्ट होंगे। कहाँ से एनिमेट होना, यहाँ से स्टार्ट होंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, इनको मूव कर देंगे। तो सिंपल हमने क्या कर दिया, मूव कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी टाइमिंग जो है हमने यहाँ पे कर दी। तो जैसे ये बॉक्स यहाँ पे राइट टिक लगेगा, ये राइट टिक लगा, तो वैसे ही एनिमेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए काफी अच्छा एनिमेशन जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, राइट टिक लगा और ये एनिमेशन स्टार्ट हो गया। अब इनकी टाइमिंग जो है कम ज्यादा कैसे करना, वो हम एडजस्ट करेंगे बाद में, अभी हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल जैसे हमारा ये एनिमेशन हो गया यहाँ पे, तो ये देखिए काफी अच्छा एनिमेशन हो गया। तो इनको हम यू प्रेस कर देते हैं सभी को, ताकि इस पे हम यहाँ पे की पे एनिमेशन को इजी कर सके। तो सिंपल हमने यू प्रेस किया, इन सारी कीज को हम सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद में इजी कर दिया। तो यहाँ पे एनिमेशन जो है काफी स्मूथ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एनिमेशन हमने एकदम स्मूथ कर लिया है। हम चाहे तो इसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सपोज हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए एनिमेशन की टाइम। ठीक है, तो ये देखिए ये टाइमिंग को हमने बढ़ा दिया। तो ये देखिए काफी अच्छा एनिमेशन जो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे जाएगा, अब इसके बाद में कर्सर हमारा मूव करेगा। तो सिंपल हम आ जाएंगे यहाँ पे, तो कर्सर को यहाँ पे की लगा देंगे, देन इसके बाद में अगेन एक सेकंड का मूवमेंट। ठीक है, तो एक सेकंड का मूवमेंट के लिए अब सिंपल हम फिर से जाएंगे यहाँ पे, अब कर्सर को यहाँ से मूव कर देंगे। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसको यहाँ पे ले गए। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आएगा, अब फिर अगेन वही करना है हमको, पेन टूल में जाकर के यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसको जो है हम प्रॉपर कर्व कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए हमने इसको प्रॉपर कर्व कर दिया। तो ये देखिए एनिमेशन कितना अच्छा होगा यहाँ पे। तो ये ऐसे यहाँ से मूव करेगा और ये देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट खराब हुई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे। ये चीज जो है आपका जो यहाँ पे पाथ गड़बड़ हो रहा है, तो इसको हम सिंपल ले आएंगे पास में। तो ऑल बटन को होल्ड करके उसको हम यहाँ पास में ले आएंगे, ये सही हो जाएगा। अब देखेंगे एनिमेशन हम, तो एनिमेशन अब सही से होगा। ये पहले यहाँ पे आया और यहाँ से डायरेक्टली आगे जाएगा। ठीक है, पहले मूव कर रहा था, आगे पीछे जा रहा था, अब नहीं मूव करेगा। तो इस तरीके से कभी ऐसा होता है कि आपका एनिमेशन कभी खराब होता है, तो इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। अगेन आपको करना क्या है कि यहाँ पे सिंपल जैसे आप जाएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद में आपका एनिमेशन फिर से कम ज्यादा होगा, एडजस्टमेंट इसकी होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे की लगा देनी है सभी में। तो ये हमने यहाँ पे की लगा दी सभी की। अब यहाँ पे की लगाने के बाद में आपको जो भी साइज एडजस्ट करनी है वो आप एडजस्ट करेंगे। तो अगेन कितना हमने यहाँ पे टाइम लिया था, 15 से लेकर 3 तक, है ना। तो यहाँ पे सेम टाइम हमको चाहिए, तो सिंपल हमने क्या किया, 4 से लेकर के यहाँ पे 5-15 तक यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या कर दिया, अब इन सभी को जो है हम बढ़ा देते हैं, साइज घटा बढ़ा देते हैं। अभी तो मैं फिलहाल के लिए ऐसे ही कर रहा हूँ, है ना। अब आपको जितना भी साइज चाहिए रहेगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो चुका है। देन इसके बाद आपको करना क्या है कि आगे फिर से आपका एनिमेशन होगा। तो यहाँ पे जैसे ये एनिमेशन हो गया, फिर से यहाँ पे आपकी की लगेगी, देन इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ से फिर मूवमेंट होगी। ठीक है, तो अगेन फिर से 1 सेकंड का मूवमेंट होगा, तो यहाँ से आपको फिर से मूव कर देना है इसको। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से आकर के फिर इसको मूव कर देंगे इधर। ठीक है, तो ये आपका मूवमेंट हो गया। अब अगेन आप फिर से यहाँ पे जो है कर्व कर देना, तो यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे कर्व कर दिया प्रॉपर। तो ये देखिए काफी अच्छा एनिमेशन आपका यहाँ से हो गया। जैसे ये आगे गए आप, तो फिर आपका जैसे ही आगे जाएंगे, तो फिर यहाँ पे अगेन आपको मूवमेंट। अब आपको करना क्या है कि अगेन फिर से यहाँ पे आपको एनिमेशन कर देना है। तो आप जो भी मूवमेंट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे फिर एनिमेशन हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे बढ़ा दिया, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे सारा एनिमेशन हमारा हो गया। अब जैसे ये हो गया, अब इसके बाद में आप चाहें तो कर्सर को आगे के साइड में ड्रैग कर सकते हैं। यदि आपको अब वहीं रखना है, तो वहीं पे रख सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ से आपको कर्सर को हटाना है, सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे रखा और यहाँ पे 1 सेकंड पे जाकर के इस कर्सर को मूव कर दिया यहाँ से। तो ये सिंपल हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये यहाँ पे स्क्रीन से कर्सर बाहर हो गया। अब कर्सर बाहर हुआ, तो अब यहाँ पे जाकर के फिर से आप जो है इसको प्रॉपर कर्व कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए हमने यहाँ पे प्रॉपर कर्व एनिमेशन कर दिया यहाँ पे। तो ये आपका स्क्रीन से कर्सर यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये जैसे आगे पीछे जा रहा ना, तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे आपको करना है एडजस्ट। सिंपल आकर के आपको क्या करना है कि यहाँ पे आकर के क्लिक करना है। अब ये इस पाथ को जो है आपको यहाँ पे सेट कर देना, पास मिला देना। तो अब ये आगे पीछे नहीं होगा। तो ये देखिए आगे पीछे नहीं जा रहा बिल्कुल भी। ठीक है, सेम चीज करनी है आपको आगे जा करके। ये जैसे हम आगे गए यहाँ पे, तो ये आगे पीछे जो जा रहा है, तो यहाँ पे पास में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको एडजस्ट कर देंगे। इस वाले पाथ को आकर के आपको यहाँ पे ऑल्ट बटन को क्लिक करना है और यहाँ पे ये पास में आकर के इसको यहाँ पे सिंपल ले आना है। अब ये चीज हो जाएगी आपकी एडजस्ट होगी प्रॉपर। ठीक है, तो ये कोई मूवमेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे बहुत अच्छा एनिमेशन हो गया आपका। तो ये देख सकते हैं आप, तो काफी अच्छा एनिमेशन हो गया कि ये यहाँ पे आया और फिर इसका टिक लगा, फिर आगे चला गया, देन यहाँ पे आया, तो यहाँ पे टिक लगेगा, फिर आगे जाएगा और ये सब हटते जाएंगे, है ना, बाकी सब हट जाएंगे। तो ये चीज आपको करनी है। तो कैसे करना है आपको, तो बाकी के टिक जैसे कि ये यहाँ पे आया, टिक लग गया। ठीक है, अब जैसे ये मूव करके यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो जैसे यहाँ जाएगा तो वैसे ही टिक लगेगा। तो सिंपल आपको आ जाना नीचे राइट टिक पे, तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे सेट कर देना है। तो ये यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमने ऑल्ट और क्लोज ब्रैकेट से इसको कट कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे कट हो गया, देन ये फिर यहाँ पे टिक लग गया। ये जैसे आगे जाएगा तो यहाँ पे फिर टिक लग जाएगा। तो ये इसको फिर हम मूव कर देंगे यहाँ पे और इसको जो है हम यहाँ पे
फिर से कट कर देंगे तो ये देखे काफी अच्छा जो हमारा एनिमेशन यहाँ पे बन गया। तो ये देखे ये जा रहा है, यहाँ पे टिक लगा, देन इसके बाद में एनिमेशन हुआ, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे टिक लगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे टिक लगा। स्टार्टिंग वाले पे हम फिर से सही से मूवमेंट कर देते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे जा रहा है तो ये जैसे कि हमारे ये वाले पाथ है, लाइन्स है, तो इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये भी और अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, अभी तक 100% हमने करके रखा था। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ से ये इतना जाएगा, फिर इसका चेंज हुआ अगेन, अब ये कॉपी करना पड़ेगा हमको, ये कॉपी पेस्ट कर देंगे हम, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये देखो सही हो गया, ये गया, अब यहाँ से फिर जैसे गया तो ये चेंज हो गया, फिर जैसे आगे जाएगा तो फिर ये चेंज हो गया। अब आपको कलर्स जो है इसमें कलर को चेंज करना है, जैसे कि आपने देखा होगा वो वाले जो स्टार्टिंग में मैंने एनिमेशन दिखाया था उसमें कलर भी चेंज हो रहा था। सिंपल आपको इसमें इफेक्ट डाल देना ह्यू एंड सैचुरेशन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे डालेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन तो यहाँ पे आपको की लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ से आप जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से आगे जा रहे हो तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या कर दिया, यहाँ पे की लगा दी। अब जैसे आगे जाओगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे की लगा दी आपने, देन आगे जाकर के आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया, लाइक जैसे कि आपने ये कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कलर जो है ये चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरी की लगा देनी सभी में, है ना। तो यहाँ से अब जैसे यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो सेम की को आपने कॉपी पेस्ट कर दिया आगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ जा रहे हो तो अब की चेंज हो जाए, तो ये देखो आपने कलर इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करोगे तो यहाँ पे कलर का इसका की का जो कलर है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आगे गए तो यहाँ पे आपको सेम चाहिए तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिए, देन आगे जा करके इसको फिर आपने फिर चेंज कर दिया जो भी करना है आप। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ये कलर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका कलर है ये चेंज हो रहा है, तो इसी तरीके से आपको सभी में कर देना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे सभी में ग्लो चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास में, तो डीप ग्लो या फिर आप नॉर्मल ग्लो यूज कर सकते हैं। यदि डीप ग्लो आप लोगों के पास में नहीं है, यदि आप लोगों को चाहिए है तो मैंने कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है आपको, और आपने टेलीग्राम चैनल यदि हमारा ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट जो है मिलते रहेंगे। तो सिंपल आपको करना क्या है कि मैं ये वाला टेक्स्ट है इसमें मैं डाल देता हूं ग्लो। ठीक है, तो ये मैंने ग्लो यहां पे अप्लाई कर दिया है। अब सिंपल आप इसकी इंटेंसिटी वगैरह कम ज्यादा कर सकते हो जितनी भी आपको चाहिए। तो सिंपल मैंने ग्लो को कॉपी कर लिया और सारी लेयर्स को यहां पे कॉपी, सभी जितनी भी लेयर्स हैं सभी को मैंने सिलेक्ट किया और यहां पे इसमें जाकर के पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस सारी लेयर्स में मैंने यहां पे आकर के पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि सभी में आपको ग्लो काफी अच्छा देखने मिल जाता है। अब यहां पे आपका एक चीज और बचा, यहां पे दो कर्सर हमने क्यों लिए थे, ये इसका एनिमेशन का मैं बता देता हूं यहां पे आकर के। तो आपको सिंपल करना क्या है कि यहां से यहां पे जो है आपको ओपेसिटी की लगानी है दोनों पे। ठीक है, ये मैंने टी पे यहां पे आ गया, टी प्रेस किया तो ओपेसिटी आ गया। जैसे कि यहां से यहां जा रहे हैं हम तो यहां पे जाकर के आपको ओपेसिटी की लगानी है, देन आगे जा रहे हैं। ठीक है, यहां से कहां से स्टार्ट हो रहा हमारा एनिमेशन, यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल हमने गए तो यहां पे की लगा दी पहले, और यहां से आकर के यहां पे की। ठीक है, आगे गए तो यहां पे फिर की लगाई हमने, और आगे गए यहां से मूवमेंट हो रहा है यहां तक तो फिर यहां पे की लगा दी हमने, और फिर यहां पे यहां से यहां तक होल्ड है, यहां पे ये की लगा दी और आगे फिर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे ये मूवमेंट हो रहा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि यहां पे आपको की सारी लगानी है। तो अब देखिए क्या रहेगा आपका, जैसे कि यहां से ये जैसे मूव हो रहा है तो यहां पे फिर आपको की लगा देनी है। तो अब देखिए अब इसको करना कैसा है एनिमेशन, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पे पहले क्या होगा कि जैसे ये सर्कल के पास जाएगा तब आपका हैंड वाला जो टूल है यानी कि माउस है तो वो दिखाई देगा कर्सर आप। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे कि यहां पे आपको इसकी जो ओपेसिटी है, तो ये हैंड वाला ये है आपका। ठीक है, तो इसकी ओपेसिटी 100 रहेगी और इसकी ओपेसिटी 0 हो जाएगी, तो ये हमने इसकी 0 कर दी यहां पे। ठीक है, अगर यानी यहां पे कैसा रहेगा कि यहां पे इसकी ओपेसिटी 0 रहेगी, ऊपर वाले की 100 रहेगी। ठीक है, देन सेम चीज आपकी यहां रहेगी। ठीक है, जैसे यहां से मूव हो रहा है तो यहां से आपका मूवमेंट में क्या रहेगा कि यहां पे आपकी कर्सर की यानी कि ऊपर वाले की ओपेसिटी 100 रहेगी और यहां पे इसकी ओपेसिटी 0 रहेगी। तो ये यहां पे जैसे मूव करेगा तो यहां पे आपको की लगानी है, तो ये हमने यहां पे क्या कर दी कि नीचे वाले की इसकी ओपेसिटी यहां पे 0 कर दी हमने। ये देखिए हमने 0 कर दी। अब यहां से इसकी ओपेसिटी 0, अब यहां पे इसकी ओपेसिटी 0 हो जाएगी और यहां पे इसकी ओपेसिटी यहां पे 100 रहेगी। ठीक है, अगेन यहां पे क्या होगा कि यहां पे इसकी ओपेसिटी 100 रहेगी, इसकी 0 हो जाएगी। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब मैं इसका बता देता हूं कैसे क्या इसका यूज रहेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या कि इन सारी कीज को सिलेक्ट करना है और राइट माउस क्लिक करना है और यहां पे टॉगल होल्ड की फ्रेम पे क्लिक कर देना है। तब आप देखिए यहां पे जैसे ये जाएगा तो यहां पे हैंड आ गया। अब जैसे यहां से मूव होगा तो कर्सर यहां पे हैंड आ गया, जैसे यहां से मूव होगा तो कर्सर यहां पे हैंड आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा एनिमेशन जो है आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप जो ये वीडियो है आप लोगों को इससे काफी सारी चीजें सीखने मिली होंगी। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस यदि आप सीखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को मैं जो है अपने इंस्टाग्राम पे पेज पे अपलोड करूंगा, तो यदि आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके पेज को फॉलो कर लीजिए। ये वीडियो जो है फाइनली वहां पे अपलोड होगी, इसमें म्यूजिक वगैरह भी लगाएंगे, साउंड डिजाइनिंग वगैरह होगी, सारी चीजें, तो आप लोग जाकर इसका फाइनल आउटपुट देख सकते हैं। तो रील आप लोगों को अपलोड मिल जाएगी कहां पे, इंस्टाग्राम पेज पे। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर के फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।